गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 प्रश्नावली 2.3 आज तारीख 15 तारीख छठा महीना। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। ये चार पॉइंट क्वेश्चन हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, चार बहुपद दे रखे हैं, इनके बारे में हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वन की वैल्यू रखी। तो आप सॉल्यूशन डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ एक्स प्लस 1 जो दे रखा है, लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 जो आप रखने वाले, इस वाले में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में आप एक्स माइनस 1 की वैल्यू पुट करोगे। p माइनस 1 इक्वल टू एक्स की क्यूब नहीं, माइनस 1 के क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 ये तो खत्म हो गया, 1 के क्यूब क्या होगा, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1। तो इससे भी ये खत्म हो गया, कितना आंसर आएगा, 0। तो हम कहेंगे यस, हाँ यस, एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट वाले का हमारा हो गया, सेकंड वाले में px फिर मानेंगे, px इक्वल टू x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x प्लस 1 लेट माना, लेट की जगह क्या लिखेंगे, साथ में माना और यहाँ पर भी माना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 1। जहाँ भी x है वहाँ पे वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, p माइनस 1, माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। अच्छा, इसमें आपको ज़्यादातर यही नोट करने को देखने को मिल रहा है कि आप हर जगह या तो पावर 4, पावर 3, पावर 2, तो पावर 2, पावर 3, पावर 4 के अंदर जब पावर जोड़े से है, दो है ये, चार है ये, तो ये माइनस का वन का साइन खत्म हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वन। पावर बिना जोड़े के है या उसमें कोई पावर नहीं है तो वो माइनस ही रहेगा, माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे फिर प्लस वन, फिर यहाँ माइनस वन, फिर यहाँ प्लस वन, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या बचेगा, वन बचेगा, क्या बचेगा, वन। नो इट इज नॉट, यहाँ पे हिंदी में लिखे हाँ, एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। नो, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या कहा इसने, पी एक्स फिर लेंगे यहाँ पे, थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 माना, लेट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू है माइनस का 1, यहाँ पर जा भी है, वहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, पी माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया, 1 की पावर 4 करेंगे, माइनस का माइनस ये क्या जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, यहाँ पावर 2 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इंटू है प्लस का 1। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस का 1 है, 3 एकम 3 माइनस का 3 है, 3 एकम 3, ये दोनों क्या है, गुणा में है यहाँ पे, ये दोनों 3 एकम 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के 3 से माइनस का 3 खत्म, क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन निकलेगा, हम कहेंगे नो इट इज नॉट, नो
एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, नहीं एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। फोर्थ पार्ट, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब यहां पे क्या लेना है, वही माना, लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस का वन, ये रखेंगे पी माइनस का वन माइनस वन की पावर थ्री माइनस माइनस वन की पावर टू माइनस टू प्लस अंडर रूट टू, यहाँ पे माइनस वन प्लस अंडर रूट टू। अच्छा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले केस में, इसमें अभी आपको पहले इसका क्लियर कर देता हूँ। माइनस वन की पावर थ्री करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन रहेगा, पावर जोड़े से नहीं है, यहाँ पावर जोड़े से है, बाहर साइन तो यूँ रहेगा, ये प्लस का वन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर माइनस का वन की मल्टीप्लाई माइनस के टू प्लस अंडर रूट टू से हो रही थी, माइनस से माइनस का तो मुझे प्लस का टू प्लस अंडर रूट टू बचेगा और यहाँ प्लस अंडर रूट टू बचेगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा माइनस का वन टू अंडर रूट टू टू, तो एज इट इज अंडर रूट टू, तो ये टू अंडर रूट टू हो जाएगा, कितना टू अंडर रूट टू हो जाएगा। अच्छा माइनस वन क्या होगा, माइनस का टू, यहाँ प्लस का टू, यहाँ प्लस का टू अंडर रूट टू, इससे ये कदम क्या बचेगा, टू अंडर रूट टू बचेगा, तो हम कहेंगे टू अंडर रूट टू, हाँ नहीं एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। नो पी एक्स, नो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में नोट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर टू, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब आपको ये जी एक्स की वैल्यू पी एक्स में रखनी है और अगर जीरो आता है तो यस, नहीं तो नो कहेंगे। क्या कहेंगे, नो कहेंगे। जैसे अब यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं हम, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ लिखिए लेट, माना जी एक्स बराबर जीरो, जी एक्स बराबर क्या मान लिया, जीरो, तो एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन। अब इसको पी एक्स में रखेंगे, पी एक्स बराबर टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का वन, तो पी माइनस का वन टू इंटू में माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू माइनस टू इंटू में माइनस वन माइनस का वन, तो वन की पावर थ्री करेंगे ये माइनस का वन आएगा, वन का स्क्वायर करेंगे ये प्लस का वन हो जाएगा, और माइनस का टू, और जब माइनस का वन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का टू हो जाएगा, ये माइनस का वन होगा, तो टू वन का टू, ये माइनस का टू, ये प्लस का वन, ये प्लस का टू, और ये माइनस का वन, माइनस के वन से प्लस का वन खत्म, प्लस के टू से माइनस का टू खत्म, आंसर होगा जीरो। तो हम कहेंगे हाँ हाँ जी एक्स पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का फैक्टर है, पी एक्स का शून्यक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके बेटा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट में इसमें हम लेंगे माना
लेट जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो x प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, x इक्वल टू माइनस का टू हो जाएगा। अब हम इसमें पी एक्स में वैल्यू रखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस का वन, तो p माइनस का टू माइनस टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू में माइनस का टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में माइनस का टू प्लस वन, टू की पावर थ्री माइनस का एट, टू की पावर टू, टू की पावर टू कितना होता है फोर, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन माइनस का एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व और माइनस का सिक्स प्लस का वन, आठ और छः को जोड़ेंगे माइनस का फोर्टीन हो जाएगा, ट्वेल्व और वन को जोड़ेंगे प्लस का थर्टीन हो जाएगा, फोर्टीन में थर्टीन गया माइनस का वन बचेगा पी माइनस टू, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है। अच्छा इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में कहा पी एक्स इक्वल टू के एक्स, सॉरी के एक्स नहीं एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो वही माना लेट जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर हो जाएगा थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा थ्री। अब यहाँ पे पी थ्री रखेंगे, यहाँ पे थ्री की पावर थ्री माइनस फोर इंटू में थ्री की पावर टू प्लस में थ्री प्लस में सिक्स, थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन, तीन तीन नौ चौक छत्तीस हो जाएगा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और यहाँ पे छः तीन नौ, तो नौ सात सोलह छः हासिल एक, तीन थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स कितना जाएगा जीरो। यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, हाँ जी एक्स पी एक्स का शून्य गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा ये, ठीक है तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन, के का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें यहाँ पे बता दिया कि x माइनस वन जो है इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी सभी का फैक्टर x माइनस वन है, जब x माइनस वन फैक्टर होगा तो हम इसमें क्या निकालेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहेगा, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच केस, सो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, यदि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, तो इतना हिंदी में लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखेंगे और फिर इसके बाद ये दोनों नोट कर लेंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले। तो मतलब हमें एक बात समझ में आई कि जब ये x माइनस वन इसका फैक्टर होगा गुणनखंड होगा तो वैल्यू रखेंगे तो आंसर के का मिलेगा। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, फर्स्ट में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स ये पे क्या रखने वाले वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ओके वन का स्क्वायर करेंगे वन प्लस के, वन और वन
टू प्लस के, इतना करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं, हमें नजर आ रहा है कि हम आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो हम मानेंगे माना लेट, क्या मानेंगे माना लेट पी वन इक्वल टू जीरो, पी वन को क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे, तो टू प्लस के क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी है प्लस का टू, इधर आके माइनस का टू हो जाएगा, इस तरह से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ, सेकंड पॉइंट। सेकंड में कहा पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब हमने पहले बता ही दिया था क्या मानना है, वहां पे वन मानना है, क्या लेना है यहाँ पे वन लेना होगा, तो वन के लिए टू इंटू में वन का स्क्वायर प्लस के इंटू में वन प्लस अंडर रूट टू, तो वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, तो टू वन जा टू, के वन जा के प्लस में अंडर रूट टू, तो इसको सही से लिखे के प्लस टू अंडर रूट टू, टू टू प्लस अंडर रूट टू। ठीक है बेटा, टू प्लस अंडर रूट टू। अच्छा, इसको ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर सकते हैं हम, क्योंकि अगले केस में हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखें, अब हम आगे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माना लेट पी वन इक्वल टू जीरो, पी वन को क्या मान लिया जीरो, तो के प्लस में टू प्लस अंडर रूट टू इक्वल टू जीरो, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, के बराबर माइनस का टू प्लस अंडर रूट टू, इस तरह से ब्रैकेट में ब्रैकेट हटाओगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा माइनस टू माइनस अंडर रूट टू। ठीक है बेटा, अब ये या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में कहा पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। ओके, अब यहाँ पे जब आप इसको मान लेंगे तो अब आपको क्या करना है, पी वन रखना है, वन के इंटू में वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में वन प्लस के, तो क्या हो जाएगा पी वन इक्वल टू वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, के वन जा के थ्री वन जा थ्री प्लस के और के कितना हो जाएगा टू के माइनस थ्री पी वन। माना लेट पी वन इक्वल टू जीरो, पी वन इक्वल टू जीरो, तो टू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टू के को ही रखेंगे माइनस थ्री है इधर आके प्लस का थ्री हो जाएगा, के को ही रखेंगे थ्री अपॉन में टू, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज, इनको हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट रह गया, चलो देखिए एक बार, थर्ड पार्ट नहीं करा, थर्ड है तो थर्ड है फोर्थ है, सही फोर्थ है, ओह सॉरी ये फोर्थ करा दिया बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर फोर से पहले थर्ड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया था एक्स इक्वल टू हमें क्या रखना है वन रखना है, तो एक्स इक्वल टू वन हम पुट करेंगे, एक्स की जगह पे क्या रखने वाले वन, के वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इंटू में वन प्लस वन, वन का स्क्वायर करो तो वन ही रहेगा, के से मल्टीप्लाई तो के आ जाएगा, रूट टू इंटू में वन की मल्टीप्लाई तो रूट टू हो जाएगा और प्लस में वन रहेगा यहाँ पे। अब इसके बाद पी वन, ओके बेटा इसको क्या करने वाले हैं हम, एज इट इज पी वन को एज इट इज लिखेंगे, उसको यहां लिखें माना लेट पी वन इक्वल टू जीरो, तो के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो के हो जाएगा, के को यही रखेंगे सबको उठा के तो जाएंगे माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर ये आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं क्या है, हमें इसका फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी आसान तरीके बताए हैं, और अगर उसमें वीडियोस कम लगे
तो कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर, मैं और बहुत सारी वीडियोस डाल दूंगा ताकि आप आसानी से और समझ पाएंगे, ठीक है। सारे शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस होंगी उसमें, आसानी से कैसे हल किया जाए। और इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां भी देख पाएंगे। तो चलते हैं अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 12x² - 7x + 1। ओके बेटा, अब इसको क्या करने वाले हैं हम, यहां पे देखें। सबसे पहले पहली और लास्ट की संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 12 12 × 1 = 12। 12 किस किस के पहाड़े हमारा 6 × 2 = 12 होता है, 4 × 3 = 12 होता है। जोड़ के या घटा के बीच की संख्या आनी चाहिए। हमने देखा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम इसको लेने वाले हैं। तो 12x² का एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन इसको भी एज इट इज लिखेंगे। 4x + 3x है लिखेंगे हम, 4x + 3x + 1। ओके, माइनस साइन था इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है। माइनस साइन नहीं होता तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। 12x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन है इसलिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका बिना ब्रैकेट के जो 4x वही माइनस का, और माइनस का 3x हो जाएगा, अंदर के साइन बदल जाएंगे, +1। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालना सीखेंगे। 4 × 12 × x × x -4 × x। अब इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है कुछ भी, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। फैक्टर का पता कैसे चलता है, आप देखो इसमें 12 को और इधर 4 को, कि कौन से टेबल से दोनों के दोनों पूरा पूरा कट जाएंगे। तो मैंने बताया आपको यहाँ पूरा पूरा डिवाइड वाली केस में, हम देखते हैं यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड किस से हो नहीं रहा। तो अब देखो पूरा डिवाइड होने में 4 4x, x कॉमन निकल जाएगा 4x। 4x को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस का साइन बचेगा, और यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 1। ओके, अब जब इतना काम हमने कर लिया, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ये जो साइन है उसको लेते हैं और 1 को कॉमन लेते हैं। इसको कॉमन मानते हैं हमेशा 1, जब यहां पे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं देता तो 1 को कॉमन मानते हैं। अब इसको 3x को एज इट इज लिखेंगे, जब माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। जैसे यहां पे देखो माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा और 1 एज इट इज रहेगा। तो आप देख सकते 3x - 1 3x - 1 दोनों जगह सेम वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 को, और यहाँ बचे 4x - 1 4x - 1। इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, इससे आगे का सॉल्यूशन आप 10th क्लास में सीख पाएंगे कि कैसे इनको आगे और सोल्व किया जाता है, अल्फा बीटा कैसे निकाले जाते हैं, इसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में क्या कहा देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। तो देखो 3 × 2 = 6 करेंगे, 6 × 1 = 6 में आ जाएगा, 6 और 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। तो 2x² का एज इट इज लिखेंगे +6x + 1x, 1x को सिर्फ x ही लिख लेंगे, +3। ओके, इसमें और इसमें फिर कॉमन निकालने का तरीका निकालेंगे। तो 2 × x × x, इसको 6 को 2 × 3 = 6 × x, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी भाग नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो इसको एज इट इज जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब 2 लेंगे यहां से भी 2 लेंगे, इधर से भी x, इधर से भी x, क्यों, इस जोड़े में से, इधर से हमें कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया इन दो डिजिट्स में से कॉमन लेना है। तो 2x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस बचेगा, और कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने बोला था तो क्या लेते हैं, हमेशा 1 कॉमन लेते हैं, x + 3 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस का साइन, इसलिए हम अंदर के कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। x + 3 x + 3 कॉमन, x + 3 कॉमन ले लेंगे और 2x + 1 यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। इस तरीके से हम x + 3 और 2x + 1 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 4 का फिर थर्ड पार्ट, अगर फिर भी प्रॉब्लम है आपको तो 8th क्लास का एक 8th क्लास की प्लेलिस्ट है, चैप्टर नंबर 12.3 के अंदर या 11.3, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देखिए। कम से कम मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराए हैं वहां पे भी मैंने इस टाइप के, और बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से कराए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। आप उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखिएगा और बेहतर तरीके से समझने के लिए।
तो थर्ड पार्ट चलते हैं, 6x² + 5x - 6, तो 6 6 36 6 36 हो गया, 9 4 36, 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, क्यों मैंने बताया था जोड़ के या घटा के हमें बीच की संख्या लानी होती है। तो अब हम इसे लिखते हैं 6x² + 9x - 4x - 6 लिखा। अब इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें देखो इस बार ये देखो 2 से कट जाएगा पूरा और ये 3 से कटेगा, तो 3 2 6 (x) (x) इसको लिखेंगे, इसको भी और तोड़ देंगे, 3 3 9 (x). अगर फिर भी आपको इस समझ नहीं आता कटेगा या नहीं कटेगा तो आप क्या करें, इसका भी एलसीएम निकाल के लिखें, इसका भी एलसीएम निकाल के लिखें और इसका भी, 2 2 4 इसका भी एलसीएम हो जाएगा और 6 का भी एलसीएम निकाले, जितनी भी डिजिट है उन सबका एलसीएम निकाल के आप लिखेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब देखें आप इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में, इस वाले पेयर में 3 3 x कॉमन है, 3x हम कॉमन निकाल लेंगे, 2x बचेगा प्लस में 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, यहां से क्या कॉमन निकाल लेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, वही माइनस का 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 2x, जब बाहर माइनस का साइन आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, देखो 2x + 3 सेम डिजिट आ गई, इनको कॉमन निकाल लेंगे, 2x + 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x - 2 बचेगा, इसका आंसर 3x - 2 आ जाएगा। अच्छा फोर्थ पार्ट चलते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट में कहा 3x² - x - 4, 4 3 12 कितना आ रहा है 12, अगर 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 आ रहा है बीच में आप देख सकते हो, तो सेम डिजिट है, तो मैंने देखा इसका 1 तो एज इट इज आ गया है, तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है, तो 3x² को लिखेंगे, यहाँ लिखे माइनस साइन है तो फिर हम ब्रैकेट में लेंगे 4x - 3x - 4 एज इट इज, देखो ये एज इट इज ले लिया, ये भी कहीं ले लिया, इसकी जगह 4x - 3x लिखा, 3x² को एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज में, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 4 रहेगा। अब आगे इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इसमें हमें सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 (x) - 4 (x), इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसमें से कुछ भी लेने वाले नहीं, उसको एज इट इज लिखेंगे, 3x - 4 x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x - 4, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होता है 1 कॉमन लेते हैं हमेशा, 3x - 4 सेम डिजिट आ गई, इसको कॉमन ले लेंगे 3x - 4, क्या बचेगा x + 1 इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फैक्टराइज, इसमें पहचान आपको ये रखनी है, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पावर 2 था, मतलब मैक्सिमम पावर सिर्फ इतना था, जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ पावर 2 वाले थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर पावर 3 होगी और इनको फैक्टराइज करने के 2 तरीके होते हैं, पहले में टाइप फर्स्ट, पहले तरीके से मैं आपको ये चारों क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से कराऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे बताना, और अगर दूसरा तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर और अलग से वीडियो बनाकर आपको दे सकूं, और अगर ये 4 क्वेश्चन आपको लगते हैं कम हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए तो भी बताइएगा और क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे अलग से इसकी वीडियो बनाकर, ठीक है बेटा। तो चलते हैं आंसर की तरफ, कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो थोड़ा बहुत आसान तरीका, थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, x की पावर 3 माइनस 2x² - x + 2, ओके इस क्वेश्चन को हम पीछे सोल्व करना शुरू करते हैं, कैसे, जो यहां लिखा है एज इट इज उसको यहां लिखेंगे, अब x को इस तरीके से लिखना है कि प्लस 2, ये प्लस 2 भी आ जाना चाहिए, कैसे, तो देखो मैं यहां लिखने वाला हूं प्लस का, यहां पे माइनस का 2x, क्या लिखने वाला हूं माइनस का 2x और प्लस का x, कैसे देखो आप, अगर आप, मैं यहां पर रजिस्टर ले, एक पेज ले लेता हूं, देखो कैसे इसमें हम कॉमन ले पा रहे हैं या कैसे हम इसको लिख पा रहे हैं,
और कैसे तरीका रहता है हमें यहाँ लिखने का, मैं आपको यहाँ पूरा तरीका समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बेटा आप ये देखो यहाँ पे किस तरह से इसको तोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस टू एक्स, क्यों लिखा? आप देखो ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का, अगर प्लस के टू माइनस के टू एक्स में से प्लस का एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का एक्स बचेगा। तो हमने माइनस के एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखी है। ऐसे ही अब इसकी जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर वाला केस आ जाए। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस का लिखेंगे और ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो माइनस का यहाँ पे एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर है, माइनस का टू एक्स स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या लिखा? माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा। इससे क्या हुआ, माइनस का टू एक्स स्क्वायर को हमने दो टाइप में तोड़ दिया। इससे हमें मालूम होता है कि माइनस का एक्स स्क्वायर को माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक्स की क्यूब, जो ये एक्स की क्यूब है इसको हम क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ इतना लिखेंगे एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसको जोड़कर या घटाकर नहीं लिखने वाले हम। तो इसको लिखने वाले हैं हम यहां पे x इंटू में एक्स स्क्वायर। अब आप देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पूरा पेयर ये बना, इस तरह से तीन पेयर्स बनेंगे। अब इन पेयर्स को कैसे सोल्व करना है, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बनेगा, x बचेगा, माइनस साइन बचेगा और यहां कुछ भी नहीं बचेगा, तो बेटा क्या बचेगा, वन, मैंने बताया था आपको। ठीक है, यहां पर क्या कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x। जरा यहां बताता हूं कैसे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये यहां लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x। ठीक है बेटा, कैसे कॉमन लेते हैं, थोड़ा से मैं ओपन कर देता हूं, x इंटू में x प्लस x, तो देखो x और x कॉमन आ जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो क्या होगा, यहां पर एक्स बचेगा वही प्लस का और यहां पर साइन चेंज होएंगे, यहां पर आ जाएगा वन, क्यों मैंने बताया जब बाहर माइनस साइन हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो यहां से एक्स कॉमन लेंगे वही माइनस का, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा। थोड़ी सी अभी पहला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और अभी मैं कराऊंगा, इसे चारों क्वेश्चन आप धैर्य रखें, आराम से तसल्ली से आप देखें सब्र के साथ, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। यहां पे और देखिए यहां पे इसमें कॉमन लेंगे माइनस टू एक्स प्लस टू, इसमें क्या कॉमन लेने वाले हम, यहाँ पे टू कॉमन लेंगे माइनस साइन के साथ, जो माइनस साइन के साथ टू कॉमन लिया तो यहाँ तो ये प्लस का एक्स बचेगा और यहाँ साइन बदल जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कुछ नहीं बचता, तो वहाँ पे क्या बचता है, वन बचता है। तो देखो इस तरह से लिखेंगे, माइनस का टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। अब देखो सारे में से एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू। अब देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर फोर में सोल्व किए हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे, दो एकम यहां पे क्वेश्चन, दो एकम दो, तो दो एकम दो कम क्या लिख सकते हैं, अब जरा देखें एक्स माइनस वन एज इट इज लिखेंगे, दो में से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, बीच में एक आ रहा है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस का साइन दो एक्स माइनस का एक्स और माइनस का टू, सब एज इट इज, देखो ये भी यू लिखा, माइनस साइन यू है एज इट इज और यहां भी माइनस का टू भी एज इट इज, एक्स की जगह हमने क्या लिखा, टू एक्स माइनस एक्स, क्योंकि हमने इसके फैक्टर के अनुसार लिखा, ये रफ कार्य है हमारा, रफ कार्य। ओके, अब यहां पे x माइनस वन तो एज इट इज चलेगा, यहां पे यहां से क्या करने वाले हम, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाले को माइनस का टू एक्स हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का टू रहेगा। अब देखो इसमें और इसमें वही कॉमन वाला तरीका जो पहले वाले अभी क्वेश्चन को सोल्व करा था, कैसे यहां से कॉमन क्या लेने वाले हैं, x को, और नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा सा और खोल देता हूं इसे, x इंटू में x माइनस टू इंटू में x, इसे थोड़ा सा ओपन कर दिया, इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन होगा ही नहीं, इसमें से वन कॉमन लेंगे हम, अच्छा एक्स माइनस वन। अब देखो इसमें से एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस टू बचेगा, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, यहां से एक्स माइनस टू कॉमन लेंगे,
और यहाँ क्या बचे, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक चीज और आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर इन तरीके में कि इस क्वेश्चन नंबर तीन को करने, क्वेश्चन नंबर पांच को करने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन नंबर फोर था आपका, ये इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर ले ताकि आपको इस टाइप में यहाँ पे परेशानी ना हो, और नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको इन क्वेश्चंस को करने में। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव। ओके, अब इसमें फिर वही पीछे शुरू करेंगे, माइनस का फाइव लेंगे, यहाँ पे माइनस फाइव लिखा तो अब यहाँ पे आप नाइन को इस तरह से तोड़ेंगे, देखो माइनस का नाइन एक्स है, इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस का फाइव एक्स, पहले माइनस का फोर एक्स और माइनस का फाइव एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का फाइव एक्स और माइनस का फोर एक्स, मतलब हमें इसकी मिलती हुई संख्या लानी है। देखो नाइन एक्स को हमने कैसे तोड़ा, कि इस तरीके से तोड़ा कि जो यहाँ पे फाइव आ रहा है, फाइव की एक जैसी संख्या लानी है, कि फाइव की जैसी संख्या आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ फोर एक्स आ गया तो आपको थ्री को ऐसे तोड़ना है कि फोर आ जाए जरूर उसमें। तो अब जैसे हम थ्री एक्स स्क्वायर क्या लिखने वाले, थ्री एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। देखो फोर एक्स स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा। तो देखो फोर एक्स स्क्वायर आया ना, सिम माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, और अब इसको एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब वही कॉमन निकालेंगे यहाँ से, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से चार एक्स कॉमन आएगा। देखो मैं थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा ओपन करेंगे, माइनस का फोर इंटू में एक्स माइनस का फोर इंटू में एक्स। अब देखो फोर एक्स कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा, माइनस के साथ में एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस का वन बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, वन। क्या बचेगा यहाँ पे पूरे के, वन कुछ नहीं बचता। तो बेटा अभी हमने बताया, मैंने बताया था कैसे लेना, तो यहाँ पे माइनस का फोर एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बचेगा और प्लस का वन बचेगा। यहाँ पे भी क्या करने वाले, माइनस का फाइव कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे साइन बदल जाएंगे क्योंकि प्लस का एक्स हो गया और यहाँ पे प्लस का वन बचेगा, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन सारे में कॉमन है, एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव। तो वही आप इसको तोड़ेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच में से एक गया कितना बचेगा, चार, ये बीच की संख्या आ रही है, एज इट इज लिखेंगे आप एक्स प्लस वन, ये तो यूं का यूं रहेगा। अच्छा इसको आप लिखने वाले एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे, फाइव एक्स माइनस का एक्स माइनस का फाइव। ओके एक्स प्लस वन को भी एज इट इज लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एज इट इज, साइन ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का फाइव एक्स और प्लस का एक्स माइनस का फाइव। अब कॉमन लेंगे इसमें से, इसमें से तो कॉमन आएगा नहीं, एक्स प्लस वन, तो आपको देख के मालूम होगा क्या कॉमन लेंगे इसमें से, एक्स क्या कॉमन लेंगे, एक्स, क्या बचेगा, एक्स माइनस फाइव। क्यों, देखो यहां से भी एक एक्स चला गया और यहां से भी एक एक्स, एक्स एक एक्स यहां बचेगा और फाइव यहां बचेगा, बताया था देखो कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, मैंने भी बोला कि एक्स इंटू में एक्स लिखेंगे इसको, फाइव इंटू में एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस फाइव बचेगा इस तरह से। एक्स माइनस फाइव भी यहाँ पे एज इट इज है तो वन कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस फाइव एज इट इज आ जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन लेते हैं, वन कॉमन लेते हैं। एक्स प्लस फाइव को कॉमन ले लेंगे अब, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं फिर से सोल्व करते हैं, यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 लिखने के बाद में प्लस का साइन लगाएंगे, थर्ड
तो पहले हम क्या लिखने वाले हैं, 20 लिखेंगे, प्लस का 20 है, तो अब 32 को इस तरह से तोड़कर लिखेंगे कि 20 आ जाए। तो देखो 32x को हम क्या लिखने वाले हैं, 12x प्लस 20x। आप देखो 32 आ जाएगा जुड़ने के बाद, जो मैंने कहा ना इसकी जैसी संख्या लानी है, तो 12x प्लस 20x, तो 32 को तोड़ के लिखा है हमने। अच्छा अब यहाँ 13x स्क्वायर है, तो 13x स्क्वायर को ऐसे तोड़ के लिखना है कि 12 जरूर आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। अब देखो अब आ गया ना इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ये प्लस का है। अच्छा अब यहाँ पर एक्स क्यूब को एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ तो कॉमन आ गया। चलो इस बार पूरे को यहाँ पे अलग अलग नहीं, आपको इसको पूरे कॉमन करके लेके चलते हैं। एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे। यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा, इसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं, कैसे, 12 इंटू में एक्स इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस में 12x, इसको 20 इंटू में एक्स प्लस 20। अब देखो अब आपको इजी हो जाएगा ये थोड़ा सा कॉमन लेने में, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा 1, ऐसे ही यहाँ पे 12x, एक्स कॉमन आ जाएगा 12x, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ कुछ भी, यहाँ कॉमन है 20, तो 20 ले लेंगे एक्स, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचेगा 1, एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, अच्छा बेटा अब इसको लिखेंगे x प्लस 1 एज इट इज लिखने वाले हैं, और इसको 20 से कम 20, तो इसको तोड़ देते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं इसका, देखो 20 से कम 20 लेंगे, तो 20 को 4 पंजे 20 कर सकते हैं, 10 दुनी 20 कर सकते, 10 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बीच की संख्या 12 आ जाएगी, तो हम ये लेने वाले हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज ले लेंगे, प्लस में यहाँ पे 10x, प्लस में 2x, प्लस में 20 लिखेंगे। अब इसको इसको और इसको तोड़ देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे आगे कैसे, देखो x इंटू में x लिखेंगे, इसको 10 इंटू में x लिखेंगे, इसको 2 इंटू में x लिखेंगे, इसको 2 इंटू में 10 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, अब उसके बाद x प्लस 1 लेंगे, कॉम यहाँ तो जो लिखा हुआ है एज इट इज, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 10 बचेगा, यहाँ भी x प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x प्लस 10 को कॉमन, x प्लस 10 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x प्लस 2, x प्लस 2 बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और नोट नहीं किया तो अब नोट कर लीजिए, ये लीजिए पूरा क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। थर्ड पार्ट ये था, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, तो इसको बेटा लास्ट से सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1, 2y को हम लिखने वाले हैं माइनस का वाई और माइनस का वाई, ओके, वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2y स्क्वायर, ठीक है, और इसको 2y की क्यूब लिखेंगे। आपने देख सकते हमने किस तरीके से लिखा है इसे, तो अब देखो हमने इसको इस तरीके तोड़ के लिखा, इसको इस तरीके से तोड़ के लिखा, आप देखो 2y स्क्वायर में से अगर एक y स्क्वायर जाएगा तो y स्क्वायर ही बचेगा, इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, मतलब हमें इन दो संख्याओं को तोड़कर लिखना पड़ता है यहाँ पे। अब देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बना है, एक पेयर ये बना है, हमारे पास तीन पेयर बने, इन तीन पेयर को थोड़ा खोल लेते, 2 इंटू में y इंटू में y स्क्वायर, इसको 2 इंटू में y स्क्वायर, एक पेयर तो ये है हमारे पास, दूसरा ये है, इसको y स्क्वायर को y इंटू में y लिखेंगे माइनस का y, ओके, एक पेयर ये हो गया, ये माइनस का y है और ये माइनस का 1, एक पेयर ये हो गया, वाई स्क्वायर 2 कॉमन हो गया यहाँ पे हमारा, ओके, तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो 2y स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, y प्लस 1 बचेगा, y प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए y वही माइनस का y कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस का वन बचेगा, क्योंकि साइन बाहर माइनस है, इसलिए अंदर के साइन माइनस लीजिए, प्लस का आ जाएगा। यहाँ से माइनस का वन कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो वाई ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और ये भी प्लस का वन हो जाएगा। तो वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन कॉमन हो जाएगा, वाई प्लस वन कॉमन हो गया। क्या लेंगे यहाँ पे, टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का वन। अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, वाई प्लस वन, टू टू वन जै टू, टू में से वन माइनस करें तो वन बचेगा, तो टू वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई प्लस का वाई माइनस का वन। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, वाई प्लस वन, इसमें सिर्फ वन कॉमन लेते हैं हम, तो टू वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, वाई प्लस वन बचेगा, यहाँ से सॉरी वाई माइनस वन, जो माइनस का साइन है ना यहाँ पे, इसलिए वाई माइनस वन बचेगा, यहाँ पे हम वन कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस वन बचेगा। वाई प्लस वन को एज इट इज लेंगे यहाँ पे, वाई माइनस वन कॉमन लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ पे, फिर हमारे पास टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन। ये क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हुआ। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाई वाला ले लेते हैं या फिर एक्स वाले कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उसका दूसरा मेथड, मेथड टू, ये मेथड वन था, मेथड टू समझा देता हूं उसमें आपको मैं, और मेथड टू अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, मेथड टू के लिए अलग से वीडियो बना दो। क्वेश्चन नंबर फाइव, मेथड टू, देखो सबसे पहले हम इस वाले को लेते हैं, थर्ड वाले पार्ट को, ये थोड़ा टफ सा दिखाई देता है बच्चों के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस में थर्टीन एक्स स्क्वायर, थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी। तो इस मेथड टू के अंदर क्या तरीका अपनाना है आपको, इसमें आपको ये देखना है कि ऐसी क्या वैल्यू रखें ये जीरो हो जाए, ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये जीरो हो जाए। तो अगर हम लेट मान लें, माना एक्स बराबर माइनस वन रखें, क्या रखें, एक्स बराबर माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। तो देखो पी एक्स करके लिखेंगे, जैसे पी एक्स बराबर एक्स की पावर तीन प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स और प्लस का ट्वेंटी। तो यहाँ पे माइनस वन लिखने वाले हैं, माइनस का वन, क्यों देखो हमने इसको पी एक्स करके लिख लिया, यहाँ पे माइनस वन की पावर तीन प्लस थर्टीन इंटू में माइनस वन की पावर टू प्लस थर्टी टू इंटू में माइनस वन प्लस में ट्वेंटी। तो देखो वन की पावर थ्री करेंगे माइनस का वन आएगा, क्यों माइनस का वन, इसलिए वन का स्क्वायर करेंगे माइनस वन का तो प्लस का वन हो जाएगा, तो थर्टीन हो जाएगा प्लस का। थर्टी टू की मल्टीप्लाई वन से करेंगे माइनस वन से तो माइनस का थर्टी टू हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी। तो अब देखो यहाँ पे थर्टीन में से वन माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का ट्वेल्व बचेगा, थर्टी टू में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो माइनस का ट्वेल्व बचेगा, तो कितना हो जाएगा जीरो। तो हमने देखा हाँ माइनस वन रखने पे जीरो आ गया, तो मतलब एक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का क्या है, शून्यक है। जब शून्यक होगा तो क्या लेंगे, ये माइनस का वन इधर आएगा प्लस का वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमने ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, तो एक्स प्लस वन क्या एक फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, तो एक्स प्लस वन को यहां लिखेंगे और ये जो पावर क्यूब वाला है उसको इस तरह डिवाइड में लिखेंगे, एक्स की क्यूब प्लस में थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस में थर्टी टू एक्स प्लस में ट्वेंटी। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे पूरा पूरा डिवाइड है। डिवाइड करने का तरीका समझाता हूं, यहां देखो कैसे वैल्यूज इनकी आती हैं। अगर यहां पे देखो सबसे पहले डिजिट क्या है, एक्स, और यहां क्या है, एक्स क्यूब, हमें एक्स की क्यूब लाना है और एक्स की मल्टीप्लाई कितने से करें जो एक्स की क्यूब आ जाए, क्या आ जाए, एक्स क्यूब। तो उसका तरीका बताता हूं आपको मैं, अगर एक्स पहले यहां समझ लो, अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो x की पावर तीन आएगा, अगर x की मल्टीप्लाई x क्यूब से करूंगा तो x की पावर चार आएगा, या x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो भी x की पावर चार आएगा, x की पावर टू की मल्टीप्लाई x की पावर थ्री से करूंगा तो x की पावर फाइव आएगा, कितना है, x की पावर फाइव आएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाते हैं। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पे हमें क्या लाना है, एक्स की क्यूब लाना है, और यहाँ कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर से।
तो यहां पे x स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाई बाय x, तो कितना है x की पावर 3, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, कितना जाए 1x स्क्वायर। अब देखो यहां पे प्लस के साइन है दोनों पे, हम तो इसको देखेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे, इनको याद फिर इनको भूल जाएंगे, इनका कोई इनकी कोई वैल्यू मैथ तो नहीं रहेगा, ये माइनस साइन और ये भी माइनस, प्लस का तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस, उसका रिवर्स ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे उसे। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 13 में से एक जाएगा 12, एक्स स्क्वायर बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 12 एक्स होगा, तो प्लस का साइन लगाएंगे 12 लगाएंगे और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जाएगा देखो कैसे, यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स से करेंगे, वो भी कितने एक्स थे 12 एक्स, अगर 12 एक्स की मल्टीप्लाई 12 एक्स की मल्टीप्लाई अगर एक्स से करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर आएगा, तो देखो 12 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा तो पहले 32 एक्स उतार लेते हैं यहाँ से, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 12 एक्स स्क्वायर आया, अब 12 एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 12 एक्स होगा, माइनस माइनस ये खत्म, 32 में से 12 जाएगा कितना 20 एक्स बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 20 एक्स, और प्लस का 20 हम ऊपर से नोट कर लेंगे, तो हमने देखा यहाँ एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ भी एक्स है तो 20 ले लेंगे प्लस का, 20 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 20x, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 20, तो माइनस माइनस ये भी खत्म, आंसर 0। यहाँ 0 जरूर आना चाहिए, अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की है। अब देखो यहाँ से हम दो चीज लेंगे, एक ये और एक ये, अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को प्लस में 12x प्लस में 20 एज इट इज लिख लिया हमने, x प्लस 1 लिखा हमने यहाँ पे, अब इसको सोल्व करेंगे 20 से कम 20, तो हमने देखा था 10 दुनी 20, 10 प्लस 2 करेंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस 2, बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 12। अब देखो तो वही लिखने वाले हैं हम यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, एक्स प्लस 1 एज इट इज लेंगे यहाँ पे, फिर एक्स इंटू में एक्स प्लस 10 इंटू में एक्स, एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा 2 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में 10, एक ये पेयर हो गया हमारे पास। ओके एक्स प्लस 1 लेंगे यहाँ पे और एक्स एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 10 बचेगा, अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ जब 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, एक्स प्लस जब है 2 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टेन को कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस 10 कॉमन आ गया हमारे पास में और एक्स प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखो आपको अच्छे समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन हमने यहाँ किया है और देखो यही क्वेश्चन हमने यहाँ भी सोल्व किया था, ये देख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 2 इसका आंसर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। टाइप 2 अगर आपको लगता है कि टाइप 2 से कराया जाए तो आप मैसेज कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।